नशा सप्लाई का अड्डा विश्वकर्मा में तस्करों ने बनाया गोदाम। 200 से ज्यादा बोरे डोडा पोस्ट के मिले, आरोपी 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर। मादक पदार्थ तस्करों ने झोटवाड़ा में वर्कशॉप के अलावा ट्रक खाली कराने के लिए विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में बना रखा था बड़ा वेयरहाउस। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की तो सामने आया, सूचना मिलने के बाद पुलिस बदमाशों के आकेड़ा स्थित गोदाम पर पहुंची, होश उड़ गए। गोदाम में 200 से ज्यादा डोडा पोस्ट से भरे बोरे मिले हैं, जहां पर देर रात तक पुलिस कार्रवाई करने में जुटी रही। सरगना तौफिक सीकर से फरार होने के बाद जयपुर को ही नशा सप्लाई को मुख्य अड्डा बना लिया। बाहर आने वाले ट्रक को सीधा VKI स्थित मुख्य गोदाम में पहुंचाता था, जहां से छोटी गाड़ियों में माल लोड करके झोटवाड़ा स्थित वर्कशॉप पर मंगवाता था। उसके बाद वर्कशॉप से डिमांड के आधार पर सप्लाई। गौरतलब है कि मंगलवार रात को वेस्ट जिले की DST टीम व झोटवाड़ा थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह दबिश देकर मादक पदार्थ तस्कर झुंझुनू के खेतड़ी नगर स्थित जसरापुर निवासी तौफिक, झुंझुनू के मंडावा निवासी इमरान अहमद, झालवाड़ के सुमेल निवासी मोहम्मद जावेद, MP के मंदसौर निवासी बन्ने सिंह, झालावाड़ के गंगदार निवासी बहादुर सिंह व UP के बरेली स्थित अहमदनगर निवासी नईम खान को गिरफ्तार करके 3 क्विंटल डोडा पोस्ट, 450 ग्राम अफीम, 3.56 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लग्जरी कार, 1 पिकअप, 1 बाइक सहित अन्य सामान बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। DCP वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि 3 क्विंटल डोडा के साथ पकड़े गए नईम के मामले की जाँच SHO बनी पार्क व अफीम व नकदी के साथ फ्लैट से पकड़े गए सरगना तौफिक भाटी, इमरान बन्ने सिंह, बहादुर सिंह व जावेद के मामले की जांच SHO सदर द्वारा की जा रही है। पुलिस आरोपियों की कॉल डिटेल के आधार पर इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की पहचान करने में जुटी है।